मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने प्रेस वार्ता कर दिए बड़े बयान। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दो दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंचे। वहीं उन्होंने जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें राजपाल कश्यप ने बताया कि कश्यप समाज समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी में ही कश्यप समाज का सम्मान है। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगी। बीजेपी को हराने की हिम्मत सिर्फ अखिलेश यादव में है। साथ ही कहा कि कश्यप समाज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जगह जगह जाकर चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 80 की 80 सीट जीतने का काम करेंगे। मोर्चे पे विफल है। बीजेपी चाहती है देश को गुलाम बनाना, इसीलिए किसान जो रीढ़ है इस देश की, उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। किसान को मैंने बताया खाद की बोरी पे किस तरीके से चोरी हो रही, उनकी एमएसपी नहीं मिल रही, और 800 किसानों की मौत हो गई थी। 800 किसानों की पहले मौत हो गई थी, अब किसानों पे किस तरीके से लाठी डंडा तार कांटे बुलडोजर क्या क्या लगाया जा रहा, ये शर्म करनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। ये बीजेपी के लोगों को शर्म करनी चाहिए। और बीजेपी के लोग किसानों पे, इनका गृह मंत्री कुचल देता है किसानों को। लखीमपुर में क्या हो रहा, ये जंगल राज है, गुंडों की सरकार है, ये दबाना चाहते हैं आंदोलन को, ये कुचलना चाहते हैं। एक समाजवादियों ने और लोकतंत्र सेनानियों ने जब अंग्रेजों को भगा दिया इस देश से, तो प्रशिक्षित जो अंग्रेजों के लोग बैठे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इनको भी भगाने का काम करेंगे। पीडीए की आप बात कर रहे हैं, आपकी पल्लवी पटेल अपना दल की, उन्होंने अभी राज्यसभा उम्मीदवार जो उतारे उसका विरोध किया है, कहा है कि जो पीडीए के फॉर्मूला के तहत उम्मीदवार नहीं उतारे गए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव के साथ में जनता है और सब पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं बीजेपी जाती जनगणना करेगी? ये देखिए, मैं कह रहा हूं कौन क्या बोल रहा, अभी तो आप देखना क्या षड्यंत्र होगा, क्योंकि सबको घबराहट है पूरे देश में। और प्रधानमंत्री अगर डरते हैं तो माननीय अखिलेश यादव से डरते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले रोक सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र होगा। इन षड्यंत्रों को भी नाकाम जनता करने का काम करेगी। और ये षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, बीजेपी बहुत ताकतवर है, बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार जाएंगे। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूँ, इस बार प्रधानमंत्री गुजरात वापस जाएंगे, ये 100% गारंटी है। ये जो गारंटी है बीजेपी को हटाने की गारंटी है। इसलिए बताओ सिलेंडर कितने का है, कहते हैं फ्री में दिया सिलेंडर, 350 का सिलेंडर मिलता था उसको 1100 में कर दिया। आप कह रहे डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देंगे, सैकड़े को पार कर गया। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवासों में भ्रष्टाचार हो रहा है, बताओ 30,000 रुपए ले रहे हैं, 30,000 तो इनके अधिकारी ले रहे हैं, और 30,000 ले रहे हैं, 28% GST लगा के ले रहे हैं, तो 60% तो यही ले रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री, हमें तो प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ का देखा हो, लोहिया आवास भी देखा हो, लोहिया आवास में बैठ के मैंने पीडीए पंचायत की है, कितना बढ़िया खूबसूरत बना लोहिया आवास। इन्होंने तो सड़कें जो गाँव में खुदवा दी पाइपलाइन की, वो तक नहीं बनवा पाए। माननीय नेताजी ने तो, अखिलेश जी ने, जनेश्वर मिश्रा लोहिया गाँव पे योजनाएं चलाने का काम किया। इस मैनपुरी और सिपाही इटावा कन्नौज और आगरा एक्सप्रेस वे, ये तो देश के प्रधानमंत्री, जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिए वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को और बीजेपी वालों को घमंड हो तो आमने सामने बैठा ले माननीय अखिलेश यादव जी को और प्रधानमंत्री को बैठा ले। अगर प्रधानमंत्री के काम उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकल जाए और या माननीय अखिलेश यादव जी के कम निकले तो हम राजनीति करना छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कम काम किए हो तो वो राजनीति बंद कर दे। गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा नहीं, पिछली बार जो सीटें उतारी थी उसमें कांग्रेस ने विरोध भी किया था, कहा था ये गठबंधन के तहत नहीं, निजी फैसला लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का जनता से मजबूत गठबंधन है जी, और इस गठबंधन और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिससे भी गठबंधन किया उन्होंने धोखा खाया होगा, लेकिन धोखा किसी को नहीं दिया। ये नेताजी ने सिखाया कि धोखा खा जाना लेकिन धोखा नहीं देना। तो हम अपने नेता के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे नेता चल रहे हैं,
और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में मजबूत गठबंधन है, इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और श्रीमती डिंपल यादव मैनपुरी में जितने वोटों जीती हैं उससे भी ज्यादा वोटों से जीतने का काम यहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस विरोध कर रही है गठबंधन का, क्यों पहली लिस्ट जारी हुई उसमें कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं है एक भी? फरुखाबाद ललितपुर से लड़ाना चाहती थी लखीमपुर की। अरे वहाँ देखो बीजेपी में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कारपेट पे नहीं चलने दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा करो कभी टीवी पे। ये प्रधानमंत्री उनकी फोटो नहीं आने दे रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन तो आपकी पार्टी का हुआ है ना, ये आपकी पार्टी का हुआ है, तो आपकी पार्टी को सोचना चाहिए कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों नहीं दिए गए। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, हमारी पार्टी तो सब सोच रही है, पूरे देश भर की सोच रही है। फिर कांग्रेस से नाराजगी क्यों है? नहीं, कांग्रेस कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस किसी से नाराजगी नहीं, बीजेपी से जनता नाराज है। अब जनता इकट्ठा होके इनको हटाएगी। और जिस तरीके से ये भ्रम फैलाते थे कि सब यादव कलेक्टर है, सब कप्तान है, मैं पूरे प्रदेश को घूम के आ रहा हूँ, कहीं बाथम समाज का मुझे कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं मौर्य समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं चौरसिया समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं नाई समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं भुर्जी समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं राजभर समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं कश्यप समाज का कलेक्टर हो तो बताओ आप, नहीं है। लेकिन ये भ्रम फैलाते 46 में 56 SDM यादव, झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बीजेपी बोलती है और भ्रम फैलाती है और षड्यंत्रकारी पार्टी है। इस षड्यंत्रकारी पार्टी को हटा के संविधान और देश की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहते बताते हैं कि उनका बयान जो है वो छुड़वाइए नेता निजी बयान बता देते हैं। देखिए वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन आज बड़ी लड़ाई इस बात की है कि संविधान खत्म हो रहा, आपका आरक्षण खत्म हो रहा, आपके वोट देने का अधिकार खत्म हो रहा, ये बड़ी लड़ाई है। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और बीजेपी ध्यान हटाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर सकती है। किस तरीके से तैयारी है और कितनी सीटों पर जीत करा कर रहे हैं? हमारी पूरी 24 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयारी कर ली है और जनता ने भी कमर कस के तैयारी कर ली है। और आपने देखा होगा कई लोकसभाओं की बैठक माननीय अखिलेश यादव जी ले चुके हैं, लखनऊ में भी बूथ स्तर तक के लोगों के लिए चुके हैं, हमारे बूथ से लेकर अब बूथों पे ये PDA पंचायत हो चुकी है। और जो इनकी संकल्प यात्रा निकाली थी उसकी अंतिम यात्रा PDA पखवाड़े ने निकालने का काम कर दिया है। कार्यालय पे क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता का? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में PDA पखवाड़ा मनाया और उस PDA पखवाड़े के तहत मैं पूरा पूर्वांचल घूम के आया हूँ और कन्नौज भी, और उसके तहत मैं मैनपुरी आया हूँ। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है और मैं पूर्वांचल में भी देख के आया हूँ, पूर्वांचल से लेके और पश्चिम तक, और जो मैनपुरी जो माननीय नेताजी की धरती है और श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ की सांसद है, मैनपुरी जैसा ही संसदीय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा और मैनपुरी का ही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा पूरी लोकसभाओं पे, वही मॉडल बना के पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी का सफाया 22 में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने घटाने का काम किया है और 24 में बीजेपी का सफाया, 22 में घटाया है 24 में सफाया है। कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी गठबंधन सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेगा और 80 की 80 लोकसभाओं पे बीजेपी को हराने और हटाने का काम करेगा। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी घोषित किए थे, देखिए सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप सवाल जवाब कर लेना। समाजवादी पार्टी जिस मुद्दों को लेकर चल रही है, आज पिछड़ों के हक अधिकार पे डकैती डाली जा रही है, उनके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा और किसान बदहाल है, किसान की आय दुगनी करने वालों ने किसान की आय आधी कर दी, MSP दे नहीं रहे, खाद की बोरी से चोरी लगातार कर रहे हैं और डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून के नाम पे कुछ नहीं है, गुंडा राज है बीजेपी का। इसलिए हर मोर्चे पे विपक्ष सरकार को हटाने के लिए अब उत्तर प्रदेश की जनता
इस बीजेपी को रोकने का काम करेगी और गुजरात वालों को गुजरात वापस भेजने का काम करेगी और समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के जीतने का दावा कर रही है और मैनपुरी भी उसमें जीतने का दावा कर रही है। मैनपुरी तो उन्होंने पहले भी दावा किया था, मैनपुरी तो जब बाई इलेक्शन हो रहा था उस पे भारत के पीएमओ से लेकर और गृह मंत्री से लेकर और साथ साथ में पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लगा था, हराने के लिए ही लगा था। लेकिन यहाँ पे कितने वोटों जीते? लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ की जनता ने माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को जिताने का काम किया और यही मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा और इसी मॉडल की तर्ज पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और आपने घोसी में भी देखा होगा, घोसी के बाई इलेक्शन में भी पूरी बीजेपी कर रही थी और कुछ ठेका लिए पड़े थे, वो तो पूरे ठेकेदारी लिए थे कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी के लोगों को घमंड था, उनका घमंड चकनाचूर करने का काम घोसी में भी किया, आपके मुजफ्फरनगर में चकनाचूर करने का काम किया। बीजेपी को 22 में घमंड था कि हमारी एक सीट कोई कम नहीं कर सकता, तो 22 में हम 125 सीटें जीते हैं, 47 से 125। और हमारी सरकार, जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिया था, लेकिन कलेक्टर और कप्तानों ने और बीजेपी की बेईमानी ने उनका मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने उनका मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये गलत फहमी हटा देना। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, पढ़े लिखे लोगों ने जो वोट दिया था, आप बैलेट पेपर का आकलन करो, लगभग 300-350 सीटें जीतने का काम किया था। इसलिए हर मोर्चे पे विफल सरकार को, इसीलिए बीजेपी परेशान है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से, और पीडीए ही एनडीए को हटाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके का अन्याय, बताओ कितने फार्म पड़े हैं पुलिस में, जितने फार्म की फीस है वो फीस जोड़ दे, अगर बैंक में एफडी करा दे उतने पैसे उतनी तनख्वाह बिना काम किए हुए दे सकते हैं, पता है। किसान आंदोलन हो रहा है वापस, अभी से पहले भी किसान